कट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो चाहे मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए आप यूज कर रहे हो। इसका एक छोटा सा नमूना आज आपको इस ट्यूटोरियल में देखने को मिलेगा। आपने ये चीज देखी भी बहुत बार होगी बट आपने कभी समझा नहीं होगा कि इसको एग्जैक्टली बोलते गए या फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से अपने काम में यूज नहीं कर पा रहे हो। तो इतना समझ लो को मैच कट को नॉर्मली हम ज्यादातर यूज करते हैं शेप मॉर्फिंग जहां पे दिखाना हो या कहीं पे कोई एकदम से सीन का चेंज दिखाना हो पर कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी है तो वहां पे हम एक बेटर तरीके से मैच कट को यूज करते हैं। तो वही चीज अब आप यहाँ पे करने वाले, तो मैं ग्राफिक्स को पूरा क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ सोलो करके। तो सबसे पहली चीज ये है कि मेरे पास यहाँ पे मेरा ये बॉक्स बना और आजू बाजू में चार छोटे छोटे और बॉक्सेज जो मैंने क्रिएट किए हैं एक ही लेयर के अंदर पांच रेक्टेंगल जनरेट करते हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास टोटल पांच रेक्टेंगल यहाँ पे जनरेट हुए। मैंने मर्ज पाथ यूज किया, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा ही दिखने वाला है तो आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, मैंने उसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे सेट किया हुआ है, ये मेरे ग्राफिक्स या एनिमेशन से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने एंकर पॉइंट इस कॉर्नर पे शूट किया हुआ, क्योंकि जब भी कुछ आप ड्रॉ करते हो तो आप एक डिरेक्शन में ड्रॉ करते हो आइदर और आपने कंट्रोल या शिफ्ट कुछ प्रेस करके रखा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज है मेरे पास वो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे जी उसमें से निकाल दिया है ग्राफिक्स का, क्योंकि मैं उसको इंडिविजुअली एनिमेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा जी भी है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली रखा हुआ है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा एक आइकॉन है जो पेन टूल आइकॉन है। तो नॉर्मली हम जो भी ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं तो ज्यादातर उसके अंदर हम पेन टूल को यूज करते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में उसका जो शॉर्टकट है वो है जी पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई मैंने ये दो कॉम्बिनेशन को बेटर तरीके से यहाँ पे यूज किया है। और मोशन ग्राफिक्स हम आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करने सो और भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज आपके थिंकिंग के लिए और भी जरूरी है कि आप जो कुछ भी क्रिएट करते हो एलिमेंट्स ऐड करने से अननेसेसरी एलिमेंट्स यहां से कुछ स्ट्रोक गए यहां से, इट्स नॉट नेसेसरी। आप ग्राफिक्स को या मोशन ग्राफिक्स को एनिमेशन को कंसेप्ट बेस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो चाहे वो कितना भी सिंपल हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज मुझे क्या करना है, मुझे मेरे एक इंडिविजुअल शेप को एनिमेट करना है जो है मेरा ये वाला शेप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ और जीरो नंबर की फ्रेम के ऊपर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ एक स्केल का की और वहां से मैं 10 फ्रेम आगे चला जाता हूँ और वापस से एक की फ्रेम यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, वापस चले आते हैं यहाँ पे और जो की का वैल्यू है मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जीरो, ठीक है। अब इस की के अंदर मैं कोई भी ग्राफ एडिट ऐड नहीं करने वाला हूँ, ग्राफ को अप्लाई नहीं करना, इजी इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये मुझे नॉर्मली चाहिए लीनियर, क्योंकि जब भी आप ड्रॉ करते हो एक नॉर्मल से आपका रेगुलर स्पीड रहता है, ठीक है, तो बस वही चीज मेरे को यहाँ पे जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल वाला की दे दिया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही ये आगे निकलता है पूरा बनता है तब जो मेरा यहाँ पे पेन टूल का आइकॉन है वो आइकॉन यहाँ से पॉप होते थे ऊपर जाना चाहिए और वापस यहाँ पे नीचे आके सेटल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जो मेरा पेन टूल वाला लेयर है बराबर उसको आप चाहे तो शिफ्ट कर लो शेप लेयर के साथ ताकि आपको मैच करना आसान रहे। तो मैं यहाँ पे उसका स्केल प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ प्लस उसका पोजीशन प्रॉपर्टी भी ऑन करता हूँ, रोटेशन में तीन प्रॉपर्टी एक साथ एनिमेट करने वाला हूँ। बट सबसे पहले जो एनिमेट करना है वो है मेरा स्केल प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ से तीन फ्रेम कुछ आगे चलता हूँ, जो हमने 10वीं फ्रेम पे की दिया था शेप लेयर वन के स्केल प्रॉपर्टी के, उससे तीन फ्रेम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्केल को यहाँ पे की देता हूँ और फिर उसके बाद मैं पांच फ्रेम आगे चलता हूँ और वापस क्या कर देता हूँ, मैं स्केल को यहाँ पे की दे देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो स्केल का वैल्यू है इसका, ठीक है, उसको मुझे कर देना है जीरो गाइस। तो यहाँ पे भी देखो मैंने एंकर पॉइंट कहाँ पे सेट किया है, उसके बॉटम में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, एंकर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस आपके काम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको जीरो कर दिया। अब जैसे ही आप आगे जाओगे देखो ये नीचे से क्या हो रहा है, खड़ा होते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो टाइमिंग का एक इश्यू हमारे साथ हो रहा है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा और पीछे कर देते ताकि वो टाइमिंग का इश्यू ना दे। तो अब देखो ये प्रॉपर तरीके से बन रहा है, तो हाँ भाई ये टाइमिंग हमारा परफेक्ट जा रहा है, तो इसके लिए हमारे ये सही है, बेटर है। अब आप इसको भी चाहो तो ग्राफ एडिट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको F9 दे देता हूँ। चलते हैं यहाँ पे ग्राफ एडिट के अंदर और इस बार मैं इसके लिए जो यूज करूंगा एडिट वैल्यू ग्राफ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो वो ग्राफ यूज कर सकते हो गाइस अपने लिए, आपको जो भी सही लगे उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ कि इसको हम सेट कर देते कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ इसको थोड़ा लंबा करके कुछ ऐसे सेट कर दिया है बराबर। तो अब एक बार टाइमिंग आप इसका देख लो। सी गाइस रैम प्रीव्यू करना बहुत ही अननेसेसरी जब आप खुद काम कर रहे हो, बट इन ट्यूटोरियल आपको दिखाना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि क्या करता है अदरवाइज ये बहुत ही अच्छे से जर्क को यहाँ पे देखो ये प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, यहाँ पे ये निकल रहा है बाहर, तो इट्स गुड। बट थोड़ा टाइमिंग मुझे अभी अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा आगे लेके आता हूँ,
तो आप देखो वापस मेरा टाइमिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है कि ये बनने के बाद ही, मतलब ऑलमोस्ट इसका एनिमेशन पूरा होने से पहले इसको क्या करना है, थोड़ा हम और आगे की तरफ ले लेते हैं। तो हाँ, दैट इज बेटर कि हाँ भाई ये एनिमेशन खत्म होने से पहले देखो ये कहाँ पे की को देखो एडजस्ट टाइमिंग प्रॉपर करना है। हाँ, तो देखो ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं रहेगा। सो दैट वन इज गुड वन। तो ये टाइमिंग हमारा हो चुका है। अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे, इसको यहाँ से जंप करके, मतलब जैसे ही निकलता है तो ऊपर की तरफ जंप करेगा, वापस यहाँ नीचे आके सेटल होगा। तो उसके लिए पोजीशन का की फ्रेम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन यही रहेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं 10 फ्रेम आगे और इसका पोजीशन में लेके जाता हूँ थोड़ा अप कुछ यहाँ तक, ऑलमोस्ट समथिंग हियर। और फिर आगे चलते हैं और 1 2 और ऑलमोस्ट लाइक, चलो 10 फ्रेम ही हम चल लेते हैं। और बाद में क्या करूंगा मैं, 1 2 2 फ्रेम वापस आ जाता हूं और वापस उसका पोजीशन जो हमारा पहले था वहीं पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। और यहाँ पे इसको हम फिर से सिलेक्ट करते हैं तीनों की, इसको F9 में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे जब भी आप करते हो, अब मैं यूज करने वाला हूँ मेरा स्पीड ग्राफ, तो आप अपने हिसाब से अपने ग्राफ को चेंज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे आपके ग्राफ के एडिटिंग या आपके एनिमेशन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे क्या चाहिए, ये स्पीड में ऊपर जाना चाहिए एक जर्क के साथ, जब वो प्रॉपर एक पिक के ऊपर पहुंचता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं कर्सर लिया तो ये प्रॉपर अपनी पिक के ऊपर पहुंचा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, होल्ड जैसा फील देना है कि अटकता है क्योंकि उसका फोर्स खत्म हो चुका है जिस फोर्स से उसको फेंका गया है ऊपर। और फिर क्या होता है, ग्रेविटी के कारण नीचे आना शुरू करता है। तो दोनों जब इक्विलिटी पे आते हैं, फोर्स खत्म होना और ग्रेविटी एकदम से खींचना स्टार्ट करना, तो एक स्टॉप मोशन, जैसे एक स्टॉप मिलता है हमको वहां पे, तो वही चीज यहाँ पे जनरेट करेगा उस मोशन को। अब उसके बाद क्या चाहिए, अभी साथ में ऊपर तो जा ही रहा है, तो उसके साथ मेरे को क्या चाहिए, रोटेशन भी उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है ना। एक अच्छा खासा रोटेशन की भी मुझे क्या करना है, उसको देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेशन का की यहाँ पे 0 दे देता हूँ। जो स्केल का सेकेंड की है वहां पे मैं उसका रोटेशन क्या कर देता हूँ, ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से उसका रोटेशन यहाँ पे जनरेट करता हूँ। वापस लास्ट की फ्रेम के ऊपर जो बिल्कुल हम स्केल की के ऊपर हिसाब से काम करेंगे, तो यही की फ्रेम क्या करेंगे, पहला रोटेशन वाला की मैं उसको यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप देखोगे बाई डिफॉल्ट 135, क्योंकि मैंने जो बनाया था ये कुछ ऐसा टेढ़ा था, तो उसको ये स्ट्रेट करने के लिए पहले से मेरे को एक रोटेशन देना पड़ा था। तो वापस क्या कर दो, मैं इसको F9 कर रहा हूँ, ग्राफ के अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं मोशन कैसा हो रहा है यहाँ पे, तो एक बार देखो बहुत ही प्यार से क्या हो रहा है, मोशन मेरा जनरेट हो रहा है टाइमिंग के साथ। अब आती है मेन बात के भाई ये आ गया, तो हमारा मेन चीज आता है कि भाई मैच कट, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैच कट का मतलब क्या है कि भाई अगर इस पेन टूल को मुझे जी नाम के वर्ड के अल्फाबेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो भाई या तो आप पाथ एनिमेट कर सकते हो इसको बेजियर पाथ में कन्वर्ट करके जी के, बट वो बहुत ज्यादातर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, समटाइम्स आपके ग्राफिक्स के अंदर, मोशन ग्राफिक्स के अंदर उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, प्लस आपको ना उतना कुछ मिल रहा है डिटेलिंग करने के लिए, ना पैसा मिला है, ना उतना बोला गया है, तो वाई शुड वेस्ट द टाइम। तो मैच कट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो दिखा देगा सीधा सीधा कि हाँ भाई ये कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके लिए पहला काम क्या करोगे आप लोग, ये जो पेंटूल का एनिमेशन जहां पे खत्म हो रहा है उस लेयर को हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है। उसकी एंड साइड से हमने क्या कर दिया, उसको ट्रिम कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, मेरा जी मुझे यहाँ पे रिवील करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जी वाले लेयर के ऊपर सोलो दिए, देखो ये लेयर यहाँ पे आ गया है। अब क्या करेंगे, मैं 2 फ्रेम यहां से आगे चला जाता हूँ ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे, और जी का मैं क्या ओपन करूंगा, स्केल का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा। अब ध्यान से देख लो, उसका भी मैंने एंकर पॉइंट यहाँ बॉटम पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्केल दे दिया उसका वैल्यू, और मैं इस की को क्या कर देता हूँ, आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका वाई वैल्यू है उसको हम कर देंगे 0, ठीक है। जो बिगिनर यहाँ पे क्लिंक रहेगा उसको पहले क्लोज कर देना, तभी आप इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज कर पाओगे जो दूसरी वैल्यू को इफेक्ट ना करे। अब वहां से हम क्या करेंगे, कुछ 10 फ्रेम आगे जंप करते हैं यहाँ पे और वापस उसको की क्या दे देंगे, बट इस बार 100 से थोड़ा ज्यादा की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो उसको ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ कुछ टच कर रहा हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इतना ज्यादा बाहर भी नहीं जाना चाहिए मेरे बॉक्स से, तो देखो ये प्रॉपर तरीके 103 पे सेटल हो रहा है। फिर उसके बाद मैं कुछ वापस जंप कर रहा हूँ 10 फ्रेम और 1 2 3 फ्रेम अंदर की तरफ आता हूँ और इस फ्रेम को पीछे से ले लेते हैं। यहाँ पे वापस मैं वैल्यू क्या करूंगा, नीचे लेके आऊंगा थोड़ा 100 से नीचे, बट हाँ ये दिस इज वेल। अब उसके बाद इस की फ्रेम को वापस मैं इसके नजदीक कुछ ऐसे सेट कर देता हूँ और अब इसको भी क्या कर देंगे, हम सीधा सीधा F9 अप्लाई कर देते हैं। मैं बाकी कोई भी चेंजेस ग्राफ के अंदर नहीं कर रहा हूं। तो एक बार इसको प्ले करोगे तो देखो बहुत सा ब्यूटीफुल हमारा एनिमेशन जनरेट हो चुका है, जर्की वाला, मैच कट भी हो रहा है, पेंटूल ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक अल्फाबेट के अंदर
कन्वर्ट हो रहा है। तो अब क्या करना है गाइस कि हमारा इतना एनिमेशन तो पूरा हो चुका है, जहां पे हमारा काम हो गया, अब हमें टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, यहां पे इसको रिवील करके सोलो कर देता हूं। तो अब चाहे तो आप सारे के सारे सोलो बटन यहां से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब सारे के सारे सोलो बटन निकल गए, अब सब कुछ क्या हो जाएगा, मेरे लिए विजिबल हो गया है। अब मेन चीज क्या करना है कि इसको एनिमेट करने के लिए पहला चीज ध्यान में ये रखना है कि मुझे दो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, एक है ट्रैकिंग प्रॉपर्टी, दूसरा है स्केल प्रॉपर्टी। बट ट्रैकिंग के लिए आपको ये चीज समझना है, ट्रैकिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे एनिमेट में नॉर्मली आपके टैक्स के कैरेक्टर पैनल में भी ये ट्रैकिंग का ऑप्शन है, जहां से आप अगर वैल्यू बढ़ा दे तो ये कुछ हिसाब से चलता है। अब अगर मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर दू, यहाँ पे सपोज एंकर पॉइंट नहीं सॉरी, अगर मैं यहाँ पे उसका जो पैराग्राफ है वो चेंज कर दू, सपोज मिडल में मैंने सेट कर दिया है, अब अगर वापस हम चलते हैं यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर ट्रैकिंग चेंज करते हैं, तो आप देखो ये सेंटर से हो रहा है, ठीक है ना। एंकर पॉइंट चेंज करने से नहीं होगा, पैराग्राफ चेंज करने से होगा, ये ध्यान में रखना। सेम चीज अगर वापस पैराग्राफ में यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, तो अब ये इस एंड से क्या करेगा, अपने आपको ट्रैकिंग पॉइंट चेंज कर देगा। एंकर पॉइंट भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा वापस ट्रैकिंग अप्लाई, तो देखो अब इस तरफ से हो रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ट्रैकिंग जैसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके हिसाब से अगर ये चीज नहीं हो रही है तो आपको पैराग्राफ में जाके चेक करना है कि आपने कौन सा अलाइनमेंट चूज किया हुआ है। तो ये मेरा हो गया, मेरे को यहीं पे रखना है, यहीं से ट्रैक को क्या करना है, टेक्स्ट को यहां से ट्रैकिंग कराना है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ जो है मेरा एनिमेट प्रॉपर्टी ट्रैकिंग, और उसके साथ दूसरा एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ जो है मेरा स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ट्रैकिंग का जो यहाँ का वैल्यू है मैं सबसे पहले इसको दे देता हूँ, थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ यहाँ पे कुछ, इतना ही, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, इतना मेरे को देना है। साथ में जो इसका स्केल का वैल्यू है, तो कौन सी एक्सिस में भाई, तो हमारी एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस में मैं वैल्यू क्या कर देता हूँ यहाँ पे, जीरो कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये दोनों चीज मेरी यहाँ पे हो चुकी है। अब चलते हैं रेज सिलेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है, तो आपको पहला चीज मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, एंडवास में जा रहा हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे मैं कर रहा हूँ रैंप डाउन। तो ये भी मेरा हो चुका है, देखो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली विजिबल हो चुका है, नो डाउट। बट जब भी आप रैंप डाउन अप्लाई करते हो तो आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि आप कौन से प्रॉपर्टी को एनिमेट करोगे। तो भाई मुझे कहां से इसको एनिमेट करना है, तो जैसे ही मेरा जी यहाँ पे स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट यहां से, तो मैं दो फ्रेम कुछ आगे जा रहा हूं यहाँ पे, और यहां से मैं उसका एनिमेशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी एनिमेट करेंगे हम रेंज सिलेक्ट की, वो है ऑफसेट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं दे दूंगा 100, तो ये मेरा 100 हो गया है। और जो लास्ट की फ्रेम लगता है मेरा जी के रिवील होने के लिए, ठीक है, तो मेरा जो जी अल्फाबेट है उसका की कहाँ पे, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एंड पे मैं क्या कर दूंगा, इसका जो वैल्यू है उसको मैं कर दूंगा -100, ठीक है ना। तो देखो ये प्रॉपर तरीके से रिवील हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्लेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसका ग्राफ मैं कुछ एनिमेट कर रहा हूं इस हिसाब से, ठीक है। तो ये भी हो गया है। अब एक बार हमारे ग्राफिक्स को क्या करते हैं, मोशन ग्राफिक्स को मैच कर, मोशन ग्राफिक्स को प्ले करके देख लेते हैं। तो सी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा एनिमेशन जनरेट हो रहा है जी के जर्क के साथ साथ, ये क्या हो रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे एनिमेशन को जनरेट कर रहा है। सो आई होप आपको मैचकेट के बारे में प्लस बेसिक प्रॉपर्टी के साथ इतना सुंदर, प्लस पैराग्राफ को कैसे अलाइन करना, पैराग्राफ के थ्रू टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना, उसका ट्रैकिंग के लिए कैसे यूज करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिली होगी। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करना, ताकि आगे जाते हुए नए यूजफुल ट्यूटोरियल्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्लस कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपके लिए मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे यूजफुल साबित हो रहे हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइस।